एस बी कड़ू दे सारे दर्शक मेरा राम राम, मैं डिंपल वर्मा, मेरे कन्नै कैमरामैन मिनू वर्मा। अज्ज मैं जेहड़ी जगह पर खड़ोता नी ब्लाक नरकोटा गुजरू तहसील हैडक्वार्टर रामकोट बिलावर कठुआ बिच्च, इक अस सोशल मीडिया उप्पर इक सॉन्ग सुनने, बड़ा अच्छा सॉन्ग है कि फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। अज्ज उ'ऐ साढ़ी इंडियन आर्मी जेह्की है ना, उन्हें इक कैंप ला दा, जिस कैंप बिच्च जेह्के एक्स सर्विस मैन न ओह् भी आए न, और जेह्के इस बेल्लै प्रेजेंट आर्मी दे जेह्के नौजवान जेह्के ओह् भी आए न, काफ़ी मेजर कर्नल बगैरा बड़े किश बड़े आफिसर आए, ओह् कुछ जेह्के आए न आफिसर आए न, ते जेह्ड़े एक्स मैन नी तां ओह् एक्स मैन कोई दस्सै दे न कि जेह्ड़े आर्मी दी तरफा जेह्के रूल निकलदे न, जां कोई नमियां फैसिलिटियां जेह्की एक्स मैन गी जेह्की निकलदियां उंदी फैमिली से निकल दियां, उसदी जानकारी देआ दे न। मेरे कन्नै एह् कैमरामैन पिच्छे दिक्खे जाने, एह् जेह्के आर्मी दे बंदे कुछ एक्स मैन बी बैठे दे न, कुछ उसदे कन्नै मेजर साहब बी बैठे दे न, ते मैं इंदी थोड़ी गल्ल जेह्की रूबरू करानी है कि एह् जेह्की अज्ज जेह्का इत्थें नरकोटे जेह्का कैंप लग्गने दी जेह्की वजह ही ओह् वजह केह् ही, और केह् केह् जेह्के ओह् रूल जेह्के निकले दे न। मेरे साढ़े मानसर कोला लेइयै बटल खून नरकोटा थड़ै कलवाल बिलावर तक जिन्ने भी इलाके दे एक्स मैन जेह्के हैन ना आर्मी दे, ओह् सारे इत्थै आ दे न। केइयें बी लॉ करना चाहता है, नर्सिंग करना चाहता है, या फिर एचएम करना चाहता है, तो ये सारी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो अगर आप इस जो आपका बेटा या बेटी है उसको आप करवाना चाहते हैं, तो आपको फिर वही तो आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉलेज में आपको कहाँ कहाँ मिलेगा। ये बात हो गई आपकी, जो जे एंड के गवर्नमेंट है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड करती है। उसके बाद है DIAF यानी डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी, जो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है। जो हमारे सबसे पहले हैं, तो ये जो स्लाइड है ये हमारे फिजिकल कैजुअलिटी है, जैसे कि आप हमारे बहुत सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो कैजुअलिटीज भी करना है, कंप्यूटर कोर्स करना है, तो उसके लिए भी जो आपके जो DIAF है वो भी एक अमाउंट प्रोवाइड करती है, वो है हमारा 35,000। इसके बाद है डॉटर्स मैरिज ग्रांट, रीमैरिज ऑफ विडो और ऑर्फन सन्स मैरिज। इसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी जो हमारा फिजिकल कैजुअलिटी हुआ है उसकी जो बेटी है उसके शादी के लिए, या फिर जो विडो है वो दोबारा शादी करना चाहती है, या फिर उसका बेटा है वो शादी करना चाहता है, तो उसके लिए भी एक अमाउंट ग्रांट किया जाता है जो है हमारा 1,00,000 रुपये। इसके बाद आते हैं जो हमारी वॉर विडोज़ हैं, यानी जो हमारी बैटल कैजुअलिटी हुई है उनकी विडोज़ के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए। इसके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन स्कॉलरशिप है उसमें जो हमें फॉर प्रोफेसर कोर्सेज, जो भी हमारे प्रोफेसर कोर्स करेंगे अगर सपोज, तो उसको हमको 20,000 अमाउंट। सिमिलरली हमारे सर्विंग सोल्जर हैं उनके लिए वो आईडी कार्ड हम लोग शो करते हैं, हाँ जैसे पहले फॉर्म डी भरते थे ड्यूरिंग सर्विस के दौरान, फॉर्म डी भरते थे, और उसमें जो भी अपॉर्चुनिटी मिल जाता था उसका 60% 24/7 ड्यूटी है, तब एक स्टेशन में दूसरे स्टेशन में यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग ड्यूटी पे ही हैं, उनकी कभी भी गिरा होंगे हम लोग नहीं, छुट्टी पे हम करते हैं, तो एक सर्विस मैन को जो सर्विंग सोल्जर है उसको भी लागू नहीं है ओरिजिन पे। तो बहुत है लेकिन इसका खास महत्व है। नहीं नहीं बिल्कुल, वही चीज का मैटर नहीं करता, चीज 2 रुपए की या 2,000 की। थैंक यू सर। ये कैंप बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, 9 कोर की तरफ से हमारी जो योल कैंट में एक कोर फॉर्मेशन है उसकी तरफ से एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था 2 दिन पहले, ये अगले 10 दिन तक ये साइकिलिंग एक्सपीडिशन चलेगा। इस मेन साइकिलिंग एक्सपीडिशन का जो मेन पर्पस था, हमारा एम था, हमारे जो वेटरन्स हैं एक्स सर्विस मैन हैं इस बॉर्डर एरियाज़ के पास जो रहते हैं जितने, उनको जानकारी नहीं रहती है बहुत सारी चीज़ों की, इनमें जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं हमारे एक्स सर्विस मैन को, कुछ फेटल कैजुअलिटीज़, कुछ फेटल कैजुअलिटीज़, नॉन फेटल फिजिकल कैजुअलिटीज़, तो इनको इनके बारे में पूरी जानकारी देना, और हमारे यहाँ के जो यूथ है उन यूथ को मिलकर उनको मोटिवेट करना कि किस तरीके से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन किया जा सकता है। तो अभी थोड़ी देर पहले जो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग अपने एक सर्विसमैन से मिले थे, वो इसी चीज़ के बारे में बताया गया था, और मेन था हमारा अपने वेटरन्स के साथ इंटरेक्शन करना और उनको इन स्कीमों के बारे में पूरी से अच्छे से जानकारी देना, और उनके ग्रीवियंसेस कोई दिक्कत है किसी को वो हायर फॉर्मेशन में अच्छे तरीके से आके पहुँचाना। सर एक अब युवाओं को क्या मैसेज दोगे?
वो युवाओं को मैसेज, नशे में पढ़ना युवाओं का कसूर नहीं है उसमें। नशे में बहुत सारी चीज़ें मेरे आगे पीछे, इस समय नशा है वो खुद का दिमाग किस तरीके से काम करना उनको सही तरह। जैसे मैं सब लोगों को शुरू में बता रहा था, हमारे आगे पीछे यहाँ पे एक सर्विसमैन बहुत सारे, लेकिन फिर भी युवाओं को गाइडेंस नहीं मिल पाता किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत सारे खिलाड़ी हैं इवन की, क्योंकि बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन उन खिलाड़ियों को भी नहीं पता कि लाइफ में क्या करना है। तो एटलीस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सर्विस करके इस फील्ड में आ चुके हैं, उनको पता है कि फ़ौज का माहौल किस तरीके से रहता है। तो फौज एक ज़रिया है, ऐसा नहीं है कि फौज एक ऑर्गेनाइजेशन है कि आप इस चीज़ से दूर रह सकते हो। फौज एक ज़रिया है उस फील्ड में जाने के लिए, अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नशों से मुक्ति फौज में रह के भी पाई जा सकती है, फौज के बाहर रह के भी पाई जा सकती है। डिस्टेंस जो है 525 किलोमीटर का है, यहाँ से अभी कहाँ से लेकर कहाँ तक सर? जम्मू से शुरू किया था और ये हम फाइनली जाएंगे योल कैंट तक, जो कि धर्मशाला के पास, धर्मशाला में। ओके सर।